नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की 38 सीटों पर इस वक्त मतदान हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां जो थी वो चरम पर पहुंच गई थी। मतदान के पहले साहिबगंज आदिवासी बहुल इलाके में डुगडुगी बजाकर जनजाति समुदाय की ओर से वोट देने की अपील की गई। करीब 5 दशक पहले इसी तरीके से डुगडुगी बजाकर आदिवासी समाज के फैसले से लोगों को अवगत कराया जाता था, आम लोगों को जानकारी दी जाती थी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मतदान के पहले वाली रात में पार्टी नेताओं के साथ पारंपरिक आदिवासी भोजन का स्वाद लिया। साहिबगंज में डुगडुगी बजाकर वोट करने की अपील को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने जानकारी दी और उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता लड़ रही है ये चुनाव, झारखंड विरोधियों के खिलाफ होगा फूल उल गुलान। इधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री संजय सेठ के साथ अजम अंबा होटल पहुंचकर झारखंड का पारंपरिक भोजन का स्वाद लिया। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी खाने जैसे चाकौर साग, सैजन फूल के पकौड़े, ऐसी सारी चीजों का स्वाद लिया। दरअसल अब ये लोगों ने क्यों किया, चलिए वो भी बता देते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठ, महिला सम्मान, रोजगार और झारखंडी अस्मिता का मुद्दा छाया रहा। बीजेपी एनडीए की ओर से बांग्लादेशी घुसपैठ, भ्रष्टाचार और हेमंत सोरेन सरकार के 5 साल के कार्यकाल में विफलता को मुद्दा बनाया गया, जबकि जेएमएम और इंडिया गठबंधन की ओर से आदिवासी और महिलाओं का सम्मान और युवाओं के रोजगार के मुद्दे को जोर शोर से उछालने की कोशिश की गई। इसीलिए मतदान के एक रात पहले आदिवासी अस्मिता पर दोनों पार्टियों ने जमकर खेल खेला। मगर सवाल उठता है कि क्या ये सब करना सही है? आदिवासी अस्मिता के नाम पर आखिर ये राजनीतिक शतरंज क्या नहीं है? एक दिन पहले जब जनता को मतदान करना है तो दोनों पार्टियां आदिवासी वोटों के लिए मैदान में उतर आए। कोई डुगडुगी बजवाता रहा तो कोई पारंपरिक भोजन का स्वाद रहता रहा। ऐसा लगता है कि आदिवासी मुद्दे सिर्फ चुनावी माहौल में तेज होते हैं और फिर ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि असल में बांग्लादेशी घुसपैठ, महिला सम्मान, रोजगार और झारखंडी अस्मिता के मुद्दे को बस ये सब बहाने की तरह लेते हैं। असली मुद्दा तो ये है कि वोटों की राजनीति करना है और जब तक ये खेल खत्म नहीं होता तब तक पार्टी अपनी चालें चलती रहती है। फिलहाल आज मतदान के बाद पता चल जाएगा कि आखिर इस खेल का किसे फायदा मिलेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।